What's up guys? आज हम देखने वाले हैं बचपन में भैया बाद में सैया पाकिस्तान में। तो कजन मैरिज जो पाकिस्तान में भी होती है तो उसके ऊपर पाकिस्तानी लड़कियों का क्या रिएक्शन है, क्या कुछ कहा है उन्होंने। वीडियो होगी इंटरेस्टिंग। चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। मीम्स बनती हैं कि भैया भैया और सैया सैया, इसके बारे में आप क्या कहें? घर का मटेरियल घर में रह जाता क्या फायदा? मेरा फूफा का बेटा, खाला का, कजन का प्रपोजल आता है, एक्सेप्ट कर लेंगे? आए हुए हैं क्या करें? इतना कि ये लड़के रह गए हैं जी पाकिस्तानी लड़कियों के लिए, बैन कर देनी चाहिए बोल के पाकिस्तान में। अब भैया नहीं, अब ये सैया है। शादी के बाद अचानक मुंह से भाई निकल जाए तो उससे भी मसला होता है। और भी दुनिया में लोग मर तो नहीं गए, अगर मर गए तो फिर कर लो, कि अब और कोई बंदा बचा नहीं है। तो जिनको हम भैया भैया कह रहे थे अब वो सैया सैया हो गए। एज अ पार्टनर अपने कजन को नहीं सोच सकते। भैया भैया और सैया सैया वाले सीन पे क्या कहेंगे? सैया हो गया पाकिस्तान तो कोरोना में भी नहीं समझ पा रहे थे। बचपन में भैया भैया और बड़े होने पे सैया सैया। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो में मैं यही दिखाने वाला हूँ। पूरा वीडियो को देखिएगा, देखने के बाद अंत में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा कि आपका इसमें क्या राय है। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है मेरे एक न्यू रिएक्शन वीडियो पे। मैं आपका दोस्त दीप्पी। आज का जो मैं वीडियो लिया हूँ नेला पाकिस्तानी रिएक्शन का वीडियो है। आज का जो टॉपिक है ये है कजन मैरिज, इसमें आपका क्या राय है। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शायला खान और आज इस वक्त हम जी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है और हम जो है पाकिस्तानी लड़कियों से बात करेंगे कि जो एक हमारे मुल्क के अंदर ट्रेंड है कजन मैरिजेस का, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और ये बहुत ज़्यादा जो है ट्रेंड वायरल हो रहा है कि भाई क्या है जी कजन मैरिज है, क्या हो रहा है, फूफा का बेटा, खाला का, ये मासी का, इस तरह के ही लड़के रह गए हैं जी पाकिस्तानी लड़कियों के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें और भी ऑप्शन ज़रूर देखने चाहिए। एक तो साइंटिफिकली भी बहुत मतलब ख़राब इसके अंदर रिजल्ट निकलते हैं, क्योंकि बच्चों में थैलेसीमिया अब आजकल बहुत ज्यादा आ रहा है। अब अगर दो माइनर शादी कर लें तो मेजर होके आ जाते हैं जो कि लाइलाज है। तो इस वक्त दोस्तों हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी सी लड़की मौजूद है और इनसे भी सवाल पूछेंगे कजन मैरिजेस के बारे में। क्या ख्याल है, अगर कजन का प्रपोजल आता है एक्सेप्ट कर लेंगे? आए हुए हैं क्या करें? कौन कौन से कजन का प्रपोजल आया हुआ? अच्छा, कुछ पेरेंट्स कहते हैं बेटा ये दूर का कज़न है ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो भी अच्छे नहीं होते, क्योंकि पेरेंट्स को लग रहा होता है बहुत अच्छे, लेकिन सोशल मीडिया पे हमने उनको देखा होता है कि वो सारे कैसे हैं। तो ये चीज़ मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल ही इस चीज़ को डिनायल में लेके जाएं कि कज़न मैरिज से करना ही नहीं चाहिए, एक स्टैंप लगा दी जाए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग हो भी सकती है। बट अगर नहीं है तो पेरेंट्स को आपस में चीज़ में नहीं लेके आना चाहिए बच्चों को, क्योंकि फैमिलीज ख़राब होती हैं बाद में और सारा इंजाम में आ जाता है बच्चों पे। या जो है ना फुप्पा के या फुप्पो के जो बेटे होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा उकताती हैं, क्या है फुप्पो के बेटे का रिश्ता ही रह गया हमारे, कोई ऐसा सीन हुआ आपके साथ? ऐसा होता है, लेकिन उकताने वाली बात यही है ना कि जब पहले से ये चीज़ दिमाग में डाल जाएगी कि शायद ये मिल जाएगा, तो फिर आप उससे वैसे ही चिड़खाने लग जाते हो, क्या पता अच्छा भी हो सकता है। मीम्स बनती हैं कि भैया भैया और सैया सैया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सरमद भाई, सरमद सुल्तान नाम। ओ भाई, ये वो तो एक मजाक है बस, ऐसे जितना नहीं। हमारे पेरेंट्स क्यों ज़्यादा फोर्स करते हैं कि भाई कज़न से अच्छा लड़का तो दुनिया में आपको कोई नहीं मिल सकता? वो देखा भाला होता है तो वो एक ट्रेंड चला आ रहा है, तो मेरे ख्याल में इस वजह से कर लेते हैं। और लड़कियों की फीलिंग का कोई ख्याल नहीं है? नहीं, अब तो बहुत अवेयरनेस हो गई है, पेरेंट्स भी मान जाते हैं लव मैरिज, इसके लिए मुझे नहीं लगता कि अब इतना मसला है। अगर वो सपोर्ट करेंगे कि बायकॉट करेंगी? मेरे ख्याल में 70-30 का सीन ठीक है, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं कज़न मैरिजेस में, जब नस्ल दर नस्ल नहीं हो रही तो आप कर लें, कोई मसला नहीं है। कज़न मैरिजेस के बारे में क्या कहेंगे आप? कुछ खास नहीं, बस ठीक है, अच्छा है, मतलब नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो इसका जी आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है कज़न मैरिज का, लेकिन ये ख़त्म करनी चाहिए क्योंकि सब एक जैसे ही होते हैं, फिर क्या फ़ायदा, पाकिस्तान की पॉपुलेशन एक जैसे, मतलब चेंज होना चाहिए ना। लेकिन माँ बाप कहते हैं कि आपका जो चाचा का बेटा है, मामा का बेटा है या फिर फुप्पी का बेटा है, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस हैं? नहीं नहीं, वो बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन नहीं है, आपको लेके जाएंगे, काम कराएंगे घर के, बस आप भाई शादी करें, खुश रहे बस। हाँ, भाई शादी करनी चाहिए, भाई शादी करनी चाहिए। कजन मैरिजेस बस बैन कर देनी चाहिए बोल के पाकिस्तान में। या ऑप्शन ही ना हो? नहीं, ऑप्शन ना हो, घर का मटेरियल घर में रह जाता क्या फायदा? मटेरियल। हाँ बिल्कुल, आपने सही बात की। पहले बचपन में कहते हैं बेटा ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई है, फिर सडनली होता है कि ये अब भैया नहीं, अब ये सैया है। शुमाइला, खुश हो आप? किस चीज पे? हमारी मंगनी हो गई है।
हाँ वो मुझे पता चले, मैं बहुत खुश हूँ नवीद भाई का चमचे। क्या बोल रही हो भाई, कौन? ओह सही है, जो इतना बड़ा एक जंप हमें करवाते हैं कजन मैरिजेज में, क्या दिल के जज्बात होते हैं उस टाइम। फिर शादी के बाद अचानक मुंह से भाई निकल जाए तो उससे भी मसला होता है। ठीक हो सरमत भाई? भाई की बोल। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो पेरेंट्स को जो देख रहे हैं उनको क्या से, दुनिया तो है बायकॉट कर रही है, जैसे हमारे साथ नेबरिंग कंट्री इंडिया है उसमें भी बहुत से मुसलमान हैं 25-26 करोड़, लेकिन वो भी बायकॉट कर रहे हैं कि कज़न मैरिज नहीं होनी चाहिए। ये आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना जेनेटिकली डिसऑर्डर का जो वजह बनती है। बिल्कुल, अगर मतलब जो सोसाइटी है वो इस चीज़ को साइंटिफिकली भी देखे तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर्स हैं। बट एक चीज़ है कि बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर नहीं लगा देना चाहिए कि हाँ ये ख़राब ही है, तो उस चीज़ के अंदर अपना माइंडसेट लेके आए, अपने बच्चों को सबसे पहले अपने बच्चों को समझें, अंडरस्टैंड करें। पहले आपके लिए प्रपोजल आता है कज़न का तो एक्सेप्ट करेंगी? मैं एक्सेप्ट की बात तो नहीं, बट मैं शायद उसको कंसीडर करूँ और उसको देखूँ, बट अगर मुझे चीज़ें अंडरस्टैंडेबल नहीं लगेंगी तो मैं नहीं करूँगी। नहीं, पाकिस्तान के अंदर तो बचपन के अंदर ही मंगनियाँ हो जाती हैं इस कज़न के साथ, ये तुम्हारा रिश्ता हो गया। जब बड़े होते हैं फिर उन्हें पता चलता है कि जिनको हम भैया भैया कह रहे थे अब वो सैयां से समझ गई। सही बात है, आपने ठीक कहा, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, मतलब बचपन में क्यों करनी है, बड़े हो गए किसी और को पसंद कर लो। कज़न मैरिजेस जो हैं पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, आप इस ट्रेंड को फॉलो करेंगे या बायकॉट करेंगी? बायकॉट करूंगी ऑब्वियसली। क्यों, इतनी क्या वो है जी, उलझन है या नफरत है कज़न से? नफरत तो नहीं है, लेकिन जो बीमारियाँ होती हैं ये वो चीज़ों को देखा जाए तो फिर तो ख़िलाफ़ होना चाहिए। वैसे तो मुझे कोई एलर्जी नहीं है अपने कज़न से, बस ये बीमारियाँ देखें। अब ज़रूर हमारे दीन ने इजाज़त दी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं, अगर उन्होंने ये नहीं कहा कि करो करो तो नहीं देखनी, बाकी चीज़ें भी देखनी चाहिए कि उससे बीमारी आ रही है तो उस चीज़ से दूर रहो कि और भी दुनिया में लोग मर तो नहीं गए, अगर मर गए तो फिर कर लो कि और कोई बंदा बचा नहीं है तो ब्याह लो फिर। सही पकड़े हैं जी, कज़न मैरिज कर देते सबसे ज़्यादा सेव है, दो ख़ानदान जुड़ जाएंगे, मरने के बाद भी हमारे बच्चे मिलते रहेंगे। कुछ ऐसी सोच जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट किया जा रहा है। मैं तो कहती हूँ ये सबसे फजूल चीज़ है कज़न मैरिज, सबसे फजूल चीज़ है। अच्छा। एक तो हमें पता होता है अपने कज़न्स के बारे में कुछ ज़्यादा ही, तो हमें पता कितने शरीफ है, हाँ कितने शरीफ हैं, कितने नहीं, और पहली बात उनसे बनती नहीं है, आप कभी एज अ पार्टनर अपने कज़न को नहीं सोच सकते। तो माँ बाप तो कहते हैं ये तो सबसे अच्छा लड़का है ये ही करना है, पेरेंट्स तो इसीलिए कहते हैं ना कि रिलेटिव्स वगैरह साथ रहेंगे या फिर खानदान में करना है, बाहर नहीं करना इस डर से कि बाहर पता नहीं क्या ही करेंगे। कज़न मैरिज को अगर देखा जाए तो इंडिया में भी बायकॉट किया जा रहा है कि ये नहीं करना चाहिए, इससे जो है आने वाले बच्चों में बहुत सी बीमारियाँ पैदा होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं समझ पा रहे इसको। वो कुछ नहीं समझ पा, देखें पाकिस्तान तो कोरोना में भी नहीं समझ पा रहे थे कि well done, बहुत बढ़िया बोला, कोरोना है तो इस तरह कज़न मैरिज नहीं करनी चाहिए कि लड़की ने अपनी जिंदगी गुजारनी है, लड़के ने गुजारनी है, खानदान ने तो नहीं गुजारनी, कज़न मैरिजेस नहीं होनी चाहिए। वैसे इंडिया के अंदर भी जो है वो इस चीज़ को बायकॉट कर रहे हैं कि कज़न मैरिज नहीं होनी चाहिए, आप इस पर क्या कहेंगी कि सही इनिशिएटिव ले रहे हैं, हमें भी लेना चाहिए? हाँ हमें लेना चाहिए, हमें भी अपने घर से बाहर करनी चाहिए शादी, क्योंकि फिर सबकी डिफरेंट सोच हो जाती है, सब लोग डिफरेंट तरीके से रहते हैं, नहीं तो वो फिर एक ही सिस्टम चलता रहता है, इसे बैकवर्ड करना चाहिए पाकिस्तान में। सारी उम्र माँ बाप बच्ची को बताते हैं कि ये तुम्हारा भाई है, बड़ा भाई है, छोटा भाई है, फिर एक दिन वही माँ बाप बताते हैं कि बेटा तुम्हारे फलां कज़न के साथ तुम्हारी हमने शादी फिक्स कर दी है, क्या रिएक्शन होता है जी उस वक्त? लड़कियों को ना वैसे पता होता है, ये अपने माँ बाप को हर बंदा जानता है, जैसे अपने माल डंगर है ना, कहते हैं माल डंगर को हर कोई जानता है, तो माल मवेशी, हाँ तो वो अपने माँ बाप को भी हर कोई जानता है कि इन्होंने हमारे साथ एंड में यही करना है, तो उनको थोड़ा थोड़ा हिंट होता है कि इससे ही होनी है, क्योंकि अपनी फैमिली का ट्रेंड पता होता है कि कज़न में होनी है ये वो, जिनका नहीं होता वो फिर हैरान परेशान हो जाती है, फिर शादी निकाह हो जाता, फिर वो कहते हैं चलो सही है हूँ पर आने थे हूँ सैयां हो गया। ये भैया भैया और सैयां सैयां वाले सीन पे क्या कहेंगे आप? और अभी तक लड़कियों के मुँह से भैया निकल जाता है सैयां कहने की पीछे। अरे भाजी भैया शर्माने की बात है, अब तो शादी हो गई है। क्या भैया? हाँ मेरे फैमिली में खुद मेरी जो जिठानी है मेरी शादी हुई है। अच्छा, मेरी जिठानी है उनका निकाह हुआ है मेरे जेठ के साथ, वो कजन्स हैं, वो ताया की बेटी हैं और वो चाचा की बेटी हैं, तो वो भी गलती से उनके मुंह से निकल जाता है भाई। शर्मत भाई
तो ये होता है बस, सब क्या करें। बिल्कुल। और जब मेरी शादी की बात की, क्योंकि सबको पता है कि मैं भी अभी न्यूली मैरिड हूँ, तो मैंने हमेशा से ये कहा था कि भाई कजन तो कभी भी नहीं होगा, कोई आउटसाइडर हो। तो इसी तरह ही जब बच्चियाँ अपने लिए स्टैंड लेती हैं, तो ये जो पुराने कस्टम्स हैं इनको हम जो है बायकॉट कर सकते हैं। हाँ, पूरा वीडियो आपने देखा दोस्तों। भाई देखो, मेरे हिसाब से, मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। पर्सनल ओपिनियन होता है वो, ठीक है, लेकिन पर अब तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स की भी बात आ चुकी है, तो मुझे तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है ये। मुझे मतलब सोचने जिसको से भाई, से भाई बहन मतलब ये सब बोल रहे हो। हाँ, और फिर तो वो थोड़ा सा लगता है, सबका अपना पॉइंट भी हो सकता है। अगर जैसे उनको इजाजत है, मैं उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता है कि आप किसी को भैया बोल रहे हो और उसको फिर एकदम से सैया काइंड ऑफ वर्ड। तो चलो ठीक है जो भी, लेकिन वो बहुत लड़कियां खुद बोल देती हैं यार। हाँ। कि इस तरह, और फिर मुझे लगता है कि बचपन से बहुत सारी चीजें भी पता होती है, जैसे एक मैच्योर लग रहा है भी, जैसे थोड़ा वैसा एरिया है, वरना जो प्रॉपर जैसे पार्क में भी गांव जो बिल्कुल होंगे, हाँ, वहाँ तो सुनते भी नहीं। इंडिया में तो बहुत लोग, अब तो बहुत ज्यादा हो गया, नहीं इस तरह से नहीं होता। और बाकी मुझे लगता है कि अब लव मैरिज का जमाना नहीं कहूंगा मैं कहूंगा कि अगर लड़का लड़की मतलब सेटल्ड है और प्यार में भी है और लगता है कि सही है रिश्ता, तो करवा दे देना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द लाइफ उन्हीं को स्पेंड करनी है। रिश्ता बिगड़ना होगा तो भैया तुम्हारे कराने पे बिगड़ेगा, उनके खुद के करने पे बिगड़ेगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, दो रुपए का काम। लेकिन फिर भी कजन मैरिज में मुझे लगता है पाकिस्तान की लोगों ने इतना कुछ कह दिया है खुद ही, तो वो सही थी कह रही है, तो कोरोना भी नहीं मान रहे थे। हाँ भैया, आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जरूर बताना, इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि मुझे यही है, ये ऐसा टॉपिक है कि इस पे हर एक इंसान बात करने से कई बार ना ऐसा सोचता है कि नहीं बोलूं मैं, लेकिन मुझे जो चीज ऑकवर्ड लगती है मैं बोल देता हूँ, ये ऑकवर्ड है। जैसे अब हमारी शादी हो गई है ना, अब कई लोग कमेंट कर जाते हैं कि ये तो आपको तू करके बात करती है। भैया हम शादी से बहुत पहले से दोस्त थे और तब से हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और हम तू तलाक में बात करते थे, तू और आपसे नहीं होती, आप और बढ़ाना चाहेंगे और नहीं होता यार, मतलब डिसरिस्पेक्ट किसी के लिए नहीं, लेकिन वो कि आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले मैटर करती है, जिसमें कंफर्टेबल हो। बाकी आप कहां से देख रहे हो वीडियो जरूर कमेंट करके बताना, वीडियो कर दे लाइक। जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर।